हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज नंबर 10.1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कंप्लीट देख लिए थे, राइट? और आज हम नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 बोला है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल विथ साइड्स मेजरिंग 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ये वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हमें ट्राइंगल की पेरीमीटर फाइंड करनी है और हमें ट्राइंगल की डिफरेंट साइड्स की मेजर भी दिया गया है, राइट? 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। सभी साइड की लेंथ है उसका हम सम करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगी। So, perimeter of the given triangle is equal to 10 cm plus 14 cm plus 15 cm. इन सभी का एडिशन करेंगे सो आंसर विल बी 39 cm. So, perimeter of a triangle is equal to 39 cm. Then, what is question number 8? Find the perimeter of a regular hexagon with each side measuring 8 meter. हमें क्या करना है, regular hexagon है उसकी साइड हमें दी गई है 8 meter और उसके perimeter हमें find करनी है। तो regular hexagon होता है उसकी सभी साइड है वो same size की होती है, same measurement की होती है, right? तो हमें वन साइड दी गई है 8 meter, तो सभी साइड है उसकी 8 meters की ही होगी। हमने देखो यहाँ पर हेक्सागोन ड्रॉ किया है और हर एक साइड है वो उसकी 8 meter की हमें दी गई है, तो अब उसके पेरीमीटर फाइंड करेंगे। ए रेगुलर हेक्सागोन हैज 6 इक्वल साइड्स, राइट? रेगुलर हेक्सागोन के पास 6 इक्वल साइड्स होती है। सो पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन is equal to 6 multiply by length of one side is equal to 6 multiply by 8 meter is equal to 6 8s are 48 meters. So perimeter of regular hexagon is equal to 48 meters. Next, question number 9 is, find the side of the square whose perimeter is 20 meter. हमें क्या करना है, जो स्क्वायर दिया गया है उसकी पेरीमीटर हमें दी गई है पर उसकी हमें साइड फाइंड करनी है कि उसकी वन साइड जो होती है, जो हर एक साइड इक्वल होती है, तो उसका मेजरमेंट कितना है, राइट? सो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ साइड। ये उसका क्या है फॉर्मूला, हमें पता ही है कि जो स्क्वायर होता है उसके पेरीमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ साइड। इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द गिवन स्क्वायर इज एल मीटर्स, देन इट्स पेरीमीटर इज 4 एल मीटर, राइट? सिंस द गिवन पेरीमीटर इज 20 मीटर is equal to 4L is equal to 20, क्योंकि यहाँ पर हमें 4 sides का find करना है, so 4 into length is equal to 20, it means length is equal to 20 divided by 4, it means length is equal to 5, so the length of each side of the square is 5 meters. Then question number 10 is, the perimeter of a regular pentagon is 100 cm. Regular pentagon की हमें perimeter दी गई है 100 cm. How long is its each side? तो उसकी हर एक side है उसकी length क्या होगी वो हमें find करना है। तो हमने यहाँ पर देखो एक pentagon draw किया है और यहाँ पर उसकी length होगी वो हमें पता नहीं है कि कितनी है, वो हमें find करनी है, पर हमें उसके पेरीमीटर दी गई है। ए रेगुलर पेंटागोन हैज 5 इक्वल साइड्स, जो रेगुलर पेंटागोन होता है उसके पास 5 इक्वल साइड्स होती है। लेट ईच साइड ऑफ द गिवन रेगुलर पेंटागोन बी एल सेंटीमीटर। हम एज्यूम करते हैं कि पेंटागोन है जो रेगुलर पेंटागोन उसकी साइड है वो एल सेंटीमीटर होगी।
then its perimeter will be 5L centimeters. क्योंकि उसकी साइड से वो 5 होती है इसीलिए right? Since the given perimeter is 100 centimeter, हमें perimeter दी गई है 100 centimeter, it means 5 multiplied by L is equal to 100. So L is equal to 100 divided by 5 is equal to 20. So each side of the regular pentagon is 20 centimeters. Then question number 11 is, a piece of string is 30 centimeter long. String की length हमें दी गई है 30 centimeter. Then what will be the length of each side if the string is used to form a square, an equilateral triangle and a regular hexagon. अगर स्ट्रिंग को इन तीनों के लिए यूज किया जाए तो उसमें सभी की लेंथ क्या होगी. सो सॉल्यूशन विल बी, ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर इज यूज्ड टू मेक ए इज ए स्क्वायर, बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड सी इज ए रेगुलर हेक्सागोन. सो द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ दिस फिगर्स is 30 centimeter. तो ये सभी figures है उसके perimeter क्या होगी 30 centimeters. A is square. तो पहले हम square की length find करेंगे. Let the length of each side of the square be a centimeter. It means its perimeter is equal to 4 multiplied by a centimeter. Since the perimeter of the square is 30 centimeter, वो तो हमें दी ही गई है, right? So 4 multiplied by a is equal to 30. It means a is equal to 30 divided by 4 is equal to 7.5. So the length of each side of the square is 7.5 centimeters. Then b is, let each side of the equilateral triangle be L centimeter. Equilateral triangle है, उसकी sides है, वो हम L centimeter assume करते हैं. Then the perimeter of the triangle is equal to 3L centimeter. क्योंकि triangle की 3 sides होती है, right? Since the perimeter is 30 centimeter, it means 3 multiplied by length is equal to 30. So length is equal to 30 divided by 3 is equal to 10. So the length of each side of the triangle is 10 centimeters. Then C is regular hexagon. Let each side of the regular hexagon be P centimeter. हम hexagon के लिए उसकी हर एक side है वो P assume करते हैं. Then its perimeter is equal to 6 multiplied by p centimeter. Since the perimeter is 30 centimeter, it means 6 multiplied by p is equal to 30. So p is equal to 30 divided by 6 is equal to 5. So the length of each side of the regular hexagon is 5 centimeters. तो हमने यहाँ पर स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड रेगुलर हेक्सागोन की सभी जो लेंथ है वो फाइंड कर ली, राइट? क्योंकि हमें यहाँ पर पेरीमीटर है वो सभी की 30 सेंटीमीटर सेम दी गई थी, तो हमने उसके ऊपर से उन सभी की लेंथ फाइंड की. क्वेश्चन नंबर 12 इज, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर. हमें ट्रायंगल की टू साइड्स दी गई है 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर एंड जो ट्रायंगल है उसकी पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर दी गई है. सो व्हाट इज इट्स थर्ड साइड, तो उसकी थर्ड साइड है उसकी लेंथ कितनी होगी. लेट द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल बी एल सेंटीमीटर. उसकी हम लेंथ है वो L assume करते हैं L सेंटीमीटर. Then the perimeter of the triangle is equal to 12 centimeter plus 14 centimeter plus L centimeter.
इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर प्लस एल सेंटीमीटर. सिंस द गिवन पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर, इट मीन्स 26 प्लस एल इज इक्वल टू 36, इट मीन्स एल इज इक्वल टू 36. ये यहाँ पर 26 है वो प्लस है, तो यहाँ पर इक्वल टू की इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएंगे. सो 36 माइनस 26 इज इक्वल टू 10. सो एल इज इक्वल टू 10. सो द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर. तो आज हम लोगों ने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक जो एग्जाम्पल्स दिए गए थे वो देखे, राइट? तो आप लोगों को यहाँ तक नोटबुक में कंप्लीट कर लेना है.